दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमएस राज चैनल के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कनेक्टिविटी टेस्टर कैसे बनाया जाता है। कनेक्टिविटी टेस्टर अपने घरों में वायर को चेक करने के लिए हमें कनेक्टिविटी टेस्टर की आवश्यकता रहती है। ये मल्टीमीटर से भी चेक किया जा सकता है, लेकिन मल्टीमीटर हर किसी व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं होता है और ना उसे चलाना आता है। तो कनेक्टिविटी टेस्टर एक सिंपल और आसान सा तरीका है किसी भी वायर को चेक करने का। चलो दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इसका डायग्राम। इसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता रहेगी 9 वोल्ट बैटरी की। अगर 9 वोल्ट बैटरी आपके पास नहीं है तो आप किसी सेल का उपयोग भी कर सकते हैं। सेल का उपयोग करके भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी के जो दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस के, इसके अंदर से हमें दो वायर कनेक्ट करने हैं। पहले वायर के अंदर प्लस और माइनस में से माइनस का वायर हम कनेक्ट करेंगे और इसके आगे एक प्रोब लगा देंगे, जो टेस्टिंग के लिए हमें इजी रहती है हाथ में पकड़ने के लिए। ये एक प्रोब हम यहाँ लगा देंगे। दूसरा वायर हम लगा देंगे प्लस के टर्मिनल से। प्लस के टर्मिनल में वायर लगाने से पहले इसके अंदर एक LED बल्ब हम कनेक्ट कर देंगे। इसकी जगह आप LED स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। और इसके आगे हम वापस कनेक्टिविटी प्रोब लगा देंगे, जिससे हमें पकड़ने में आसानी रहे। तो ये हमारा वायरिंग डायग्राम अब पूरा हो चुका है। आइए हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक 9 वोल्ट बैटरी की, जो हमने डायग्राम में देखी थी। ये 9 वोल्ट बैटरी हम ले लेंगे। ये हम ले लेंगे एक प्रोब, जो मैंने आपको बताई थी प्रोब, जो हमने माइनस के टर्मिनल से कनेक्ट की थी। उसके लिए एक ऐसी प्रोब ले लेंगे, उसके पीछे वायर लगा लेंगे। एक हम दूसरी प्रोब बनाने के लिए हम सोल्डरिंग आयरन के कवर का प्रयोग करेंगे। एक ख़राब सोल्डरिंग आयरन मेरे पास था, तो हमने उसका सोल्डरिंग आयरन का हमने उपयोग कर लिया है। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू खोल लेंगे, ताकि हम अपनी LED स्ट्रिप इसके अंदर डाल सकें। अब हम LED स्ट्रिप कनेक्ट वाला वायर ले लेंगे। इसके हमने अंदर LED पहले से लगा रखी है। आप ऐसी LED कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने कोई सर्किट में से निकाली है, ये LED मैंने लगा दी है, आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसा मैंने बताया। अब हम स्ट्रिप सोल्डरिंग आयरन वाले कवर के अंदर डाल देंगे। तो हम इसको अंदर डाल लेंगे। इसको डालने के बाद हम थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम अंदर की तरफ पुश कर देंगे, ताकि ये बाहर की ओर आसानी से आ जाए। अब हमने पुश करके इस स्ट्रिप को बाहर की ओर निकाल लिया है। तो अब इस स्ट्रिप को हम दूसरे वाले टर्मिनल पर हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको कनेक्ट कर लेंगे हम अच्छी तरीके से टाइट, ताकि ये हिले डुले नहीं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको कनेक्ट करने के बाद इसको हम स्ट्रिप को वापस अंदर डाल के और इसको आगे फिट कर लेंगे। ये देखिए, हम इसको फिट कर लेंगे अंदर, थोड़ा सा पुश करके वापस। ये स्ट्रिप को हम पुश करके इसके स्क्रू वापस लगा देंगे। अब हम पीछे वाले वायर को इसके अंदर फिट कर देंगे। ये फिटिंग आ गई इसके अंदर, ताकि ये भी हिले डुले नहीं, वापस बाहर ना निकले। अब हम इसके स्क्रू लगा लेते हैं। ये हमने स्क्रू लगा लिए हैं इसके, देखिए ये बनकर रेडी है। अब हम इसके दोनों वायर बैटरी पर कनेक्ट करेंगे, जैसा मैंने डायग्राम के अंदर बताया था आपको। अब हम दोनों वायरों को बैटरी पर कनेक्ट कर लेंगे। इसमें प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मन चाहे उधर इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वायर एक टर्मिनल पर लगा देता हूँ। अब हम दूसरे वाला वायर इसके दूसरे वाले टर्मिनल पर लगा देंगे। ये दोनों वायर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसको मजबूती से बांधे रखने के लिए हम इनके ऊपर टेप लगा देंगे, ताकि ये हिले डुले नहीं। आप चाहे तो इसकी जगह इसकी एक स्ट्रिप आती है 5 रुपये की, जो इस बैटरी पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसको आपको डायरेक्ट लगा के बता दिया है। आप चाहें तो उस स्ट्रिप का उपयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा हमारा कनेक्टिविटी टेस्टर। तो दोस्तों, अब हमारा कनेक्टिविटी टेस्टर बनके रेडी हो गया है। तो आइए अब हम इसकी पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हम दोनों टर्मिनल आपस में जो प्रोब हैं उनको टकराएंगे। देखिए ये
LED बल्ब जलने लगे तो हम इससे हम कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं कोई भी वायर की। मैं आपको एक वायर के माध्यम से भी कनेक्टिविटी टेस्ट करके समझा देता हूँ। अब हमने एक वायर ले लिया है, अब कनेक्टिविटी टेस्टर की एक प्रोब वायर के एक हिस्से पर और दूसरी प्रोब वायर के दूसरे हिस्से पर लगाकर चेक करेंगे। जहाँ पर हमारी लाइट जलेगी वो उसकी कनेक्टिविटी सही होगी। तो यहाँ लाइट जल उठी तो इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी एकदम सही है, हमारा वायर एकदम सही है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है बीच में से। तो इस तरह से हम इसको चेक कर पाएंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और आप भी घर पर ऐसा कोई चीज़ बना रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद।